असल वरम्ला इससे पहले कि हम जुम्मे को जो एहताजी मार्च कर रहे हैं ये मेरा आखिरी पैगाम है हैकूमत पाकिस्तान के नाम और वो ये है कि खान साहब ये आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप तयबर दान के बाद पूरी उम्मत के एक रोल मॉडल और एक हीरो तस्वर किए जा सकते हैं अगर आप फ्रांसीसी सफ़ीर को वक्त पे वापस भेज देते हैं और यही मामला है कि लोहा गरम है इसे जिस तरह आप मोल्ट कर लें पूरी उम्मत के लिए यह पैगाम होगा कि हर मुसलमान अपने हाके में वक्त को मजबूर करेगा कि नाउ यू शुड टेक अ बोल्ड स्टेप लाइक इमरान एंड लिहाजा आप ये काम करें अल्लाह ताली पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क पहुँचाता है और उसने आपको अशरफुलमखलूक़त बनाया है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू नामोज रसालत से के मामले से बढ़ के नहीं है कोई आपका आ, कोई कौमी सलामती इससे बढ़ के कोई नहीं है ये पूरी कौम जो है कौम मज़हब से मजहब जो नहीं तुम भी नहीं जज्ब बाहम जो नहीं महफिल जुम भी नहीं लिहाजा यू शुड टेक दिस बोल्ड स्टेप इनकी तमाम मसनवा पर पाबंदी लगाने का ऐलान करें इनसे तमाम तर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को खत्म करने का ऐलान करें और यू शुड सीज द फ्रांस एम्बेसी इमिजिएटली ताकि दुनिया को यह पैगाम जाए कि मुसलमान गरीब ज़रूर है सोया हुआ ज़रूर है लेकिन मरा नहीं है वो अमल में कमज़ोर है बेग़ैरत नहीं है वो अमल में कमज़ोर है इश्क में कमज़ोर नहीं है यही पैगाम है आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड अदरवाइज़ जो हमारे इख्तियार में हुआ हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि फ़्रांस की एम्बेसी बंद हो और तौर पर एहत भी करेंगे और कौम की जो आवाज़ है वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी तक कम्यूनिटी तक पहुँचाने की हत कोशिश होगी बार रबी अव्ल को इनशाल्ला तेढ़ बजे जुमे के फ़ौन बाद अपारा चौक इस्लामाबाद से फ्रेंच एम्बेसी तक इनशाला मूव किया जाएगा पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद